हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। एंड आई होप आप सबको ही बहुत 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 ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बाहर में बहुत ही बारिश हो रही है, सुबह से बहुत ही बारिश हो रही है। तो आज हम जाने वाले एक मार्केट में और वहाँ पे बहुत सारी राखी भी आई हुई है। राखी भी आपको दिखाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर ज़रूर आपको दिखाएंगे। और हम जा रहे हैं मार्केट में, मैं लड्डू जाऊँगी आपके लिए। घर बैठे हम कैसे राखी बना सकते हैं, तो वही सब कुछ आइटम खरीदना है। तो इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ, वहाँ से कुछ सामान लाना है राखी बनाने के लिए। तो इसीलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हमारे साथ आप भी मार्केट घूम लीजिए और देख लीजिए क्या क्या मिलता है राखी में, यहाँ पे किस तरह का राखी मिलता है। तो अगर कुछ रश नहीं रहा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और चूँकि बाहर बारिश का मौसम है तो फोन को निकाल के वीडियो करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम मार्केट में गए थे, बारिश काफ़ी हो रही थी पर यहाँ पे कुछ राखी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सभी के साथ थोड़ा शेयर किया जाए। और इधर लड्डू रेनकोट पहन के ही खड़ी हुई है, मैंने उसे कहा तो तुम यहाँ पर वेट करो। तो ये देखिए कुछ राखियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ पर राखियाँ थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। राखी जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये देखिए एक लड्डू ने हाथ में लिया है, इसमें लाइट जलता है, लाइट जलने वाला ये राखी है। ये वाला राखी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। और भी देखिए बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ पे राखी थे, पेंटेन, पबजी, और यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग दामों के बहुत सारे यहाँ पे राखी रखे थे, जैसे 150, 200, 300 रुपये तक की भी राखी थी यहाँ पे। तो बहुत अच्छा अच्छा था, बहुत अच्छा कलेक्शन भी था। और ये देखिए एक है कृष्णा, यहाँ पर कोई कार्टून है यहाँ पर, तो उसी का यहाँ पर है लाइट वाला। तो जो भैया थे वो थोड़ा जला के दिखा रहे थे कि देखिए इस तरीके से ये जलता है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन था। और भी थे फ्रेंड्स पर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। और ये देखिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे मिल रहे थे। मैंने यहाँ पे जिस शॉप से मैंने जो राखी बनाने के लिए जो कुछ सामान खरीदे थे, आइटम्स खरीदे थे, वहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे आइटम वहाँ पे आपके ज्वेलरी मेकिंग करने के लिए या फिर कोई भी क्राफ्ट वर्क करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलते हैं। ये देखिए सिल्वर लीफ, गोल्डन लीफ भी था, इस तरीके का काफ़ी डेकोरेटिव आइटम, कोई भी तरह का डेकोरेटिव आइटम्स इस दुकान में हमें मिल जाता है। बहुत ही अच्छा एक दुकान है, छोटा है पर बहुत सारे यहाँ पर सामान मिल जाते हैं डेकोरेटिव आइटम्स ज्वेलरी मेकिंग के लिए। ये देखिए बहुत सारे, देखिए चेन बॉल्स, बॉल्स मोती के जो बॉल्स होते हैं, क्लिप्स वगैरह, रबर बैंड, टॉयज़ वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ये सब मैं कुछ यहाँ पे आइटम खरीदी थी तो वही वहाँ पे अलग से रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे नोजपिन वगैरह भी है, लेसेस वगैरह भी है, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो ये था कुछ क्लिप्स मार्केट का जो मैंने आपको आपके साथ मैंने शेयर किया फ्रेंड्स, जितना पॉसिबल था आपके साथ हमने शेयर किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट से घूम के आ चुके हैं और बाहर में अभी भी बारिश हो रही है, फिर भी मैंने आपके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। कुछ राखी जो मार्केट में मिल रहे हैं वो आपके साथ हमने शेयर किया है और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ कुछ आइटम्स जो हमने खरीद के लाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ आइटम्स मैंने मार्केट से लिया है राखी बनाने के लिए। अभी कौन सा लगेगा फिर आप देखेंगे जब मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए ये सब बॉल चेन है, ये भी बॉल चेन है, ये देखिए। और ये कुछ ग्लू, ये कुछ टूथपिक्स, ये वूल, ये लेस, क्या मैं बनाने वाली हूँ ये आप सबके लिए सरप्राइज़ है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप ज़रूर देख पाएंगे फ्रेंड्स वीडियो में। ये देखिए ये कुछ आइटम्स है जो मैंने लिया है। और ये देखिए कुछ ईयरबड जो है ये सब मैंने यहाँ पर लिया है। और फ्रेंड्स मैंने राखी भी लिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, और ये एक है और एक स्पेशल राखी, वो कस्टमाइज होने गया है, वो अभी हो रहा है। और बस यही सब मैंने मार्केट से लिया है फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप देख पाएंगे कि ये जो सारे आइटम्स मैंने लिए हैं तो इससे क्या बनने वाला है। स्टे विद अस फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह को हमने देखा था कि हम मार्केट गए थे और सामने क्या आ रहा है, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन और राखी दोनों ही सेम होता है लड्डू। हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं घर बैठे बैठे हम किस तरीके से राखी बनाएंगे, तो वही आज हम देखने वाले हैं। और सुबह को तो आपने देखा था कि हम मार्केट में गए थे, मैंने आपको बताया था,
और राखी बनाने के लिए कुछ आइटम्स भी हमने खरीदा था, तो कुछ उसी आइटम से हम बनाएंगे आज घर बैठे बैठे राखी। आराम से घर बैठे बैठे बनाएं और अपने भैया हो, भाई हो, जो भी हो से आप आराम से बांटे। और क्योंकि घर में हाथ में बना हुआ जो सामान का जो मजा है, वो खरीदा हुआ चीज में वो फीलिंग्स नहीं आता है। आता है क्योंकि आज का लाइफ जो है बहुत बिजी हो गया है, तो इसीलिए हम खरीद के ही बनाते हैं। तो फिर भी चलिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा जो हम राखी बनाएंगे, आपको कौन सा राखी अच्छा लगा, ये भी हमें कमेंट करके आप बताएं फ्रेंड्स। क्यों लड्डू? तो चलिए ओ शुरू करने से पहले याद है ना क्या करना है? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज और साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये राखी कैसा लगा और कौन सा राखी आपको अच्छा लगा, और घर में आप जरूर बनाएं, एक तो जरूर बनाए अपने घर में, ठीक है। और जो भी बनाऊंगी बहुत ही इजी से बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए पहले ऊन, जो धागा हम बनाते हैं, आप कोई भी रिबन या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मैं उसके लिए ऊन का यूज कर रही हूँ, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके से मैंने धागे में इस तरीके से कट कर लिया। अपने रिस्ट में आप चेक कर ले आपको किस कितना लेंथ का चाहिए, उस तरीके का आप इस तरीके से कट कर ले पहले। उसके बाद हमें चाहिए कुछ मोते, मोती जो होते हैं इस तरीके का वाइट। कुछ हम लिए हैं ये गोल्डन कलर का, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गोल्डन कलर का। और हम लिए एक देखिए स्टोन रेड कलर का, ये जो है बॉल है, ये इसमें चेन बॉल्स इसे कहते हैं। और ये कुछ ईयरबड्स लिए हैं हमने, इसे हम क्या बनाएंगे आप बने रहिए हमारे वीडियो में, स्किप ना करें फ्रेंड्स। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें फ्रेंड्स। और हम क्या करेंगे, कुछ व्हाइट पेपर्स जो है उसे हम इस तरीके से छोटे और बड़े गोल में इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये सामने में जिसके ऊपर हम बनाएंगे और पीछे ये धागे के पीछे में स्टिक करने के लिए इस तरीके से छोटे साइज का हम कट कर लेंगे। और हमें चाहिए आप जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स इसमें यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए देखिए कुछ स्टोन वाला चेन हमने लिया है, साथ में ये देखिए छोटे छोटे मोती वाला भी चेन हमने लिया है यहाँ पे। और हमने लिया साथ में आपको चाहिए पेंसिल इरेजर, तो ऑब्वियसली सर्कल करने के लिए, कटिंग करने के लिए आपको चाहिए। और एक सरप्राइज है फ्रेंड्स, आप ये थाली देख पा रहे होंगे, ये स्पेशल हम क्या बनाएंगे ये आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि थाली से हम आखिर क्या बनाते हैं। लड्डू को भी नहीं पता है, तुम्हें पता है? नहीं मुझे अभी पता नहीं है, नहीं है। तो ये सब आइटम्स हम किस लिए है, बाकी जो ये थाली में ये सब हम बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, हमें किस लिए चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये वाला व्हाइट एक सर्कल, मीडियम साइज सर्कल हम कट करेंगे इस तरीके का। अब उसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्टिक वाला जो मोती होता है वो है मेरे पास, तो उसे मैं अब इस पेपर में बीचों बीच स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से हमें स्टिक करना है फिर, ये देखिए इस तरीके से हम बीचों बीच इसे पेस्ट कर लेंगे। और स्टिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे अभी हम ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे हमने जब ग्लू लगा दिया है, अब हमें चाहिए ये जो ईयरबड्स हमने लिए थे ना फ्रेंड्स, इसे हमें क्या करना है, इस तरीके का दोनों तरफ से हमें इसे इस तरीके से कट करना है, इस तरीके से हमें कट करना पड़ेगा। तो कट करने के बाद देखिए ये वाला जो इतने सारे यहाँ पे कटआउट हमारा रखा हुआ है, इस तरीके से हम इसका कटआउट करेंगे और अब हम इसे यहाँ पे स्टिक करेंगे।
तो चलो लड्डू तुम भी स्टिक। सुंदर से ये हमारा स्टिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। क्या करेंगे, हमारे पास गोल्डन जो बिट्स है यहाँ पे हमारे पास, ये हम गोल्डन बिट्स यूज करेंगे फ्रेंड्स। रुक जाओ लड्डू, मैं फ्रेंड्स को दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का जो गोल्डन बिट्स है इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये लो लड्डू, स्टिक करो। आप अपने मन में जितना भी हो इसे आप जैसे डेकोरेट कर सकते हैं। राखी है तो जितना डेकोरेट करेंगे उतना सुंदर लगेगा, क्यों फ्रेंड्स, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस तरीके का बनेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। इसे हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे ये स्टिक हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये देखिए तो हमारा जो ऊपर वाला जो बेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो धागे हमने लिए थे फ्रेंड्स उसे हमें लेना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला जो धागा है, अगर आपको लगता है कि ये काफी बड़ा हो गया है तो इसे आप कट भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने रिस्ट के साइज से आप इसे कर ले। और ये देखिए अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो धागा हमने लिए थे यहाँ पे, अब हम एक यहाँ पे गीट लगा देंगे और एक यहाँ पर भी एक हम गाट यहाँ पे हम लगा देंगे ताकि ये खुले ना, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने जो छोटा पेपर लिया था इसमें हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ये जो हमने जो धागा लिया है इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बीच में। ये देखिए बीच में इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा राखी है उसे हम बीच में यहाँ पे अब फिर से स्टिक कर देंगे। हाँ तो हमारा जो राखी है वो कंप्लीट, हमारा पहला राखी कंप्लीट हो गया है। करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो छोटे छोटे जो बीट्स वाले जो यहाँ पे मोती थे, लड्डू दिखा दो हमारे फ्रेंड्स को। ये देखिए ये वाले जो बिट्स वाले जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बिट्स थे यहाँ में से मैंने यहाँ पे लगा दिए, देखिए धागे में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारा पहला राखी। अब हम बनाते हैं सेकंड राखी। बहुत इजी है, बस हम एक सर्कल जो पहले मैंने कटआउट कर लिया है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रिस्ट के हिसाब से यहाँ से आप अपना कटआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें अभी हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेड रेड स्टोन है इसे हम लेंगे। तो उसे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल में हम इसे यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। लड्डू चलो यहाँ पेस्ट करो। ये देखिए यहाँ पे लड्डू ने रेड जो है यहाँ पे स्टिक कर दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेड ही लेना है, आप कोई भी कलर का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद अब हमारे पास जो यहाँ पे हमने बॉल चेन लिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। ये वाला बॉल चेन लड्डू, ये वाला, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फिर घुमाओ इधर से। बच्चों को अगर इस तरह का एक्टिविटी दिया जाए ना तो वो लोगों का थोड़ा बहुत चेंजेस भी लगता है। सिर्फ स्टडी 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 के साथ साथ थोड़ा एक्टिविटी भी चाहिए। तो बस लड्डू छोड़ दो, बस यहाँ पे हम यहीं तक लगाएंगे इसको और यहाँ पे हम इसे
कट कर लेंगे। यहाँ पे हल्के हाथों से आप इसे यहाँ पे कट कर ले फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे से भी हम यहाँ पे स्टिक कर दे देंगे, कोई बात नहीं है। ये हमारे पास से जाना नहीं चाहते है तो चलो इसे भी हम राखी में लगा देते हैं। क्या है, आ जाओ तुम भी। तो चलिए इसे हम यहाँ पे स्टिक कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे व्हाइट मोती भी है तो हम उसे भी यहाँ पे अब स्टिक कर देंगे। चलो लड्डू लगाओ। देखने में आप देख सकते हैं। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी रहता है ना जो कान के बाली है उसका कुछ खो गया है पीछे का रबर, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्यों लड्डू? तो चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़े वाला जो गोल्डन बीड्स है उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टिक करते हैं फ्रेंड्स। तो इसे अब हम यहाँ पे स्टिक करते हैं। थोड़ा सा इसमें है ना फ्रेंड पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रख के आप इसे बनाएं तो बहुत ही सुंदर बनता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें इसे बनाने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए हमें चाहिए फिर से वही रेड धागा। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं बार बार आपसे बता रही हूँ फ्रेंड, आप अपने रिस्ट के चौड़े के हिसाब से आप इसे अपना फोल्ड कर ले या कट कर ले। मैंने उसे इतना ही किया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से और एक लगा लूंगी मैं इस तरीके से। ये हो गया फ्रेंड हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसे हम लेंगे फ्रेंड। और उसे लेने के बाद यहाँ पे हम ग्लू लगा स्टिक कर देंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टिक कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमारा सेकंड राखी रेडी है। अब आप चाहे आप इसे जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए लड्डू यहाँ पे ग्रीन कलर के यहाँ पे बिट्स लगा दे रही है, स्टिक कर दे रही है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी देखिए इतनी खूबसूरत राखी लग रही है हमारी। वाह 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 वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सेकंड राखी रेडी है। ये तो हमने बैठे बैठे घर बैठे बैठे हमने दो दो राखी रेडी कर लिए है। ये तो चलिए फिर अब हम बनाएंगे थर्ड राखी। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरीके का एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल इस तरीके का। और ये जो हम राखी बनाएंगे वो क्या है फ्रेंड पता है, बिंदी से बनाएंगे हम राखी आज। तो इसके लिए आप कोई भी कलर का अपने चॉइस का आप कलर यूज करें। बस चूंकि ये शगुन का चीज है तो हम इसमें ब्लैक को अवॉइड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो सर्कल हमने कट आउट करके रखा है इसके चारों ओर हम यहाँ पे हम बिंदी को लगा देंगे। आप चाहे तो बिंदी का साइज छोटा बड़ा आपको जैसा अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बिंदी को चारों ओर हम लगा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, बीच में ये स्टोन को हम लगाएंगे। लगाओ लड्डू। ये देखिए इस तरीके से हम ये जो स्टोन है इसे हम बीचों बीच लगा लेंगे। क्या है बीड्स, बीड का इसे हम धीरे धीरे यहाँ
देखो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। और अब एक हल्के हल्के जो मोती होते हैं, वाइट वाइट मोती या गोल्डन जो मोती होते हैं, उसे आप लगा सकते हैं। ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। आपकी कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करें, राखी है वो कंप्लीट है फ्रेंड्स। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये था हमारा 3 DIY जो आप अपने घर में बैठे बैठे आप घर के सामान से ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो इसे रखने के लिए ये राखी का जो त्योहार है उसे जब हम आरती उतारेंगे तो उसके लिए हमें थाली भी बनाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो वही था आपने जो पहले देखा था कि थाली हमने किस लिए लिया था, तो उस थाली से अभी चलिए हम जल्दी से एक थाली डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि ये जो राखी है जब हम अपने भाई या भैया को बांधेंगे तो उस थाली पे रख के हम रोरी, चावल, सिंदूर, आरती की जो भी सामान लगते हैं और राखी मिठाई वगैरह रख के हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम थाली को जल्द से तो चलिए फ्रेंड्स राखी तो हमने बना लिया है, अब हम बनाएंगे थाली को किस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये रेड कलर का जो वेलवेट पेपर होता है, मैंने ये ले लिया है यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसे स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका जो शेप है उसे लेके मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से हमें स्टिक कर देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और अब क्या करना है, लगा लेंगे। आप अपने चॉइस का कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रेंड, कोई भी लेस आप डिजाइनर लेस यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे इसलिए यहाँ पे मैंने इसे यूज किया है। थाली का चारों ओर है उधर मेरा डेकोरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और भी हम यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लड्डू, और उससे पहले ये दो कटोरी हमें यहाँ पे बनाया है वो है बॉटल का जो कैप होता है उसे आप कवर कर ले और उसे आप यहाँ पे स्टिक कर दे फ्रेंड। इस तरीके से आप एक को स्टिक कर दे और इधर आप और एक को स्टिक कर दे फ्रेंड। तो ये बन गया हमारा रोड़ी चावल रखने के लिए। रोड़ी चावल रखने के लिए ये हमारा जो यहाँ पे कटोरी चाहिए वो हमारा यहाँ पे बन गया है। आप अगर चाहे तो आप यहाँ पे गोल्डन जो हमने यहाँ पे हमारे पास जो बॉल्स है उससे हम यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। हमारा पूजा की थाली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस घर बैठे बैठे इसी तरीके से आप बना ले अपना पूजा की थाली। क्यों लड्डू, अब हम तो इसी में अपना राखी की आरती उतारेंगे है ना। सो फ्रेंड्स इस तरीके के और भी क्राफ्ट देखने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। So, if you like this video, please like, share, comment and subscribe in our channel that is Laddu Ki Duniya. So friends, happy Raksha Bandhan in advance aap sabhi ko. So, fir milte hain ek interesting vlog ke saath, kuch naye interesting vlog ke saath milte, kuch beautiful vlog, kuch naya craft. Tab tak ke liye, ta-da, bye-bye.